तो आपसे भी कर लेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको वृंदावन के पार्ट फोर में लेके आए हैं और यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं प्रेम मंदिर, जो कि जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा, उनके ट्रस्ट के द्वारा इसको बनाया गया है। अपने होते ही उन्होंने इस चीज़ को बनवाया था और अब हम आपको अंदर लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार का ये मंदिर उन्होंने ऐसा भव्य मंदिर बना रखा है, जिसमें अंदर क्या क्या सुविधाएँ हैं वो सब आपको दिखाएंगे। रात का समय है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ और आप देख सकते हैं पीछे मेरी फैमिली पूरी आ रही है और बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का है यहाँ पे। और पहली बार रात के समय में यहाँ पर आया हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, रात के समय आए हैं, मंगलवार का दिन है, फिर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ना कोई त्यौहार है फिर भी इतनी भीड़ है, तो त्यौहार पे क्या हाल होता होगा हम देख सकते हैं। मंदिर में आने के बाद यहाँ बहुत सारी झांकियाँ हैं, आप देख सकते हैं पहली झांकी है, झांकी नंबर टू आप देख सकते हैं सेकंड झांकी है, जहाँ पर आपको श्री कृष्ण जो है होली खेलते हुए नज़र आ रहे हैं गोपियों के साथ में। बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा है मंदिर के अंदर, तो आप जब भी आएँ तो थोड़ा टाइम से आएँ क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए और हमेशा की तरह हर वीडियो में हम लोग लेट हो जाते हैं, तो इस बार भी हम थोड़ा सा लेट आए हैं, 7:30-8 बज रहे हैं लगभग, और पब्लिक इतनी है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पब्लिक है। अभी हमारे पास इसके बाद जो है झांकी नंबर है ये तीसरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भजन मंडली दिखाई जा रही है। मंदिर के अंदर एंट्री के करने जो आपने झांकियाँ देखी, झांकियों के बाद आप थोड़ा सा झांकियों के साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे अपने जूते उतारने के लिए शूज़ स्टॉल दिखाई देंगे, जहाँ आपके शूज़ जमा होते हैं। चलो साहब, एक और दाना थैला इसमें डाल दो। तो ये जूतों का पूरा थैला भर चुका है और इसके बाद इसको सबमिट करके फिर मंदिर के अंदर हम लोग जाएंगे। तो जूते सबमिट करने के बाद अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और आपको हम दिखाएंगे मंदिर का पूरा दृश्य। अंदर अगर कैमरा, मैंने सुना है कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, अगर कैमरा अंदर अलाउड होगा तो हम आपको पूरा अंदर से भी दिखाएंगे, अगर अलाउड नहीं होगा तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि हम अंदर के आपको मंदिर के अंदर का दिखा सकें। ये जो अगली आपको झांकी नज़र आ रही है ये है श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली, छोटी उंगली होती है उसके ऊपर उठा लिया था, और आप देख सकते हैं पूरा दृश्य गोवर्धन पर्वत है, तो गोवर्धन पर्वत के द्वारा पूरे मथुरा की एक तरीके से रक्षा की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सुंदर दृश्य है। मंदिर के अंदर जा रहे हैं और इस वीडियो में प्रकाश गौतम जी मेरे साथ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एकदम एट रैंडम परिवार का साथ में जो फैमिली है वो प्लान बना और हम लोग एकदम से उठ के आ गए, प्रकाश गौतम जी से हम पूछ भी नहीं पाए, तो इसके लिए हम प्रकाश गौतम जी से माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं, देख सकते हैं सामने प्रेम मंदिर लिख रहा है, ऐसा मंदिर जो प्रेम के लिए जाना जाता है, श्री कृष्ण गोपियों, श्री कृष्ण राधा, एक ऐसा प्रेम बंधन जिसमें ईश्वर को ही याद करना मेन मकसद रहता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें ईश्वर और भक्त का रिश्ता होता है, प्रेम मंदिर। अंदर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, अभी भीड़ अपार है, हजारों की भीड़ है इस समय, और अंदर जाके मंदिर को हम देखते हैं कि अंदर अलाउड है कि नहीं है। हमने सुना है कि मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन से शूट नहीं करने देते, तो देखते हैं अंदर जाके। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हम प्रेम मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं, राधे राधे बोलते जाना है, कृष्ण कृष्ण बोलते जाना है और मंदिर के अंदर जाना है हमें। अलाउड हुआ फ़ोन तो ज़रूर बनाएंगे वरना नहीं। ओ ये बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन आप देख सकते हैं, राधे 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 गूंज रहा है पूरा का पूरा मंदिर, और भीड़ अपार है यहाँ पर, आप देख सकते हैं सामने मंदिर का मेन, और नो फोटोग्राफी अलाउड लिख रहा है जगह जगह बोर्ड्स पे, जगह जो चित्रकारी
की है, कृपालु जी महाराज के बारे में यहाँ बताया गया है, और जो मीनार बनाई गई है, पूरे जो पिलर्स बनाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव हैं। पत्थरों को काट के तराश के इतनी अच्छी यहाँ पे आर्किटेक्चर, चित्रकारी कह सकते हैं कि इतने डिज़ाइंस बना रखे हैं इस मंदिर के अंदर पत्थरों के ऊपर। जो इसका वर्क है बहुत देखने लायक है, आप लोग जब भी इस मंदिर की तरफ आएँ तो ज़रूर इस मंदिर में दर्शन तो करना ही करना है, लेकिन जो आर्किटेक्चर है उसको भी आपने देख। लोग आ गए हैं, आप देख सकते हैं सामने राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है। बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है, तो थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं आ सकती। बहुत भव्य है, बस बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से, भीड़ होने की वजह से हम आपको तसल्ली से नई चीज़ें बता पा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी आप कभी भी यहाँ पर आएँ, टाइम निकाल कर आएँ तो मंदिर बहुत अच्छा, रोचक है और बहुत कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स हैं मंदिर के अंदर, आप आ सकते हैं। यहाँ ये मंदिर का बिल्कुल साइड व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर से भी बहुत सुंदर है। दीवारों के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बना रखी हैं, और मतलब भक्तों ने बहुत दान किया है और बनाने वालों ने बहुत ही एक यूनिक पीस यहाँ पर डेवलप किया है। मंदिर के अंदर से तो हम लोग आ गए हैं, वापस अपने जूता वाले काउंटर पर आए हैं। अब जूते वाले काउंटर पर आके अब हम यहाँ पर अपना जो थैला दिया था मेरे भाई हैं वो लेने गए हैं जूते का थैला, और उसके बाद वहीं से वापस हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और आगे कौन सी जगह है वो देखते हैं। तो हमारे जूते आ गए हैं, आप देख सकते हैं थैले में से फैला के सब अपने अपने जूतों पे लूट मार मच गई है, सब बच्चे अपने अपने जूते ढूंढ रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो वृंदावन के पार्ट 4 में आपको हमने प्रेम मंदिर दिखाया है, और आज की इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल निकलने की जगह नहीं मिल रही है, बड़ी मुश्किल से हम लोग अंदर से निकलते जा रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और आगे की वीडियोज़ के लिए आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जो अपडेशन है आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।